हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी जीडी के लिए जो 2018 में महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, जिनको आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी जीडी 2018 के लिए महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चनों की। देखिए, हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं में से हमने यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर हमें दिया, देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पे, जिसको हमें सिम्प्लीफाई करना है। 343 × 343 × 343, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें कोई फॉर्मूला लगा के इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो हम किस तरह करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है ये 343 × इसको 3 बार लिखा है और माइनस 113 तो ये हमारा बन रहा है। अब देखिए, हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना है कि इनको पहले इसको इससे गुणा किया जाए, इससे किया जाए। तो इसमें जब भी हमारे इस तरह क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम एलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे पिछले यहाँ पे वीडियो जो पढ़ी हुई हैं, यदि आपने नहीं देखे हो तो आप यहाँ पे हमारे लिंक में जाकर ये देख सकते हैं। तो उनमें हमें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लगाना होता है, और जिससे हमारा जो है बड़ा वाला क्वेश्चन इस तरह का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज इसको सॉल्व करने में हमारा, यदि हम इसको सिंपलीफाई अगर मैं जनरल नॉलेज करते हैं, जैसे पहले इनको गुणा करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है हमारा आंसर गलत आ जाए फिर भी। तो इसलिए हमें कभी भी इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करना। देखिए, आप इसको ए मान लीजिए, 343 को आप ए मान लीजिए, क्योंकि देखिए आप उन नंबरों पर गौर करेंगे जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर केवल 343 और 113 केवल रिवाइज हो रहे हैं, दो ही नंबर हैं वही रिवाइज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर 343 को ए मान लीजिए और 113 को बी मान लीजिए। आप देखिए, जहाँ जहाँ पर आपका ये आ रहा है, इसमें आप ए और बी रख लीजिए, तो आपको एक फॉर्म दिखने लग जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऊपर देखिए 343 तीन बार आ रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब। और वैसे यहाँ पर 113 तीन बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी का क्यूब अपॉन। अब देखिए यहाँ पे 343 × 343 अर्थात ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी, और फिर प्लस फिर यहाँ पर हमारा आ रहा है 113 × 113, तो हम इसको लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब बहुत ही इजीली हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने में करेंगे इसको, क्योंकि अब हमें ये यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। और हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब भी हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्वेश्चन, तो हमें वहाँ पर अब देखना है कि हमारे जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, दोनों में कौन सा वाला रिलेशन है जिससे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कभी भी एक ही फॉर्मूले के दो पार्ट होंगे ये, या हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको यहाँ पर हम याद रखेंगे, हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है, जब हम इसमें से ए माइनस बी को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारा बचता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज हमारा बहुत सारे क्वेश्चनों में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए माइनस बी, हमने जब इसमें से कॉमन लिया ए क्यू माइनस बी क्यू में से, तो हमारा अंदर बचता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसकी जगह पर केवल इसको रख देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको,
अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूले में रख देंगे, इसको हमने लिख दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर हम क्या लिख देंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ऊपर नीचे सेम है और यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा बचा क्या है यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आता है। अब हमें क्या करना है इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू हमारा 343 था और बी इक्वल टू क्या था 113। तो इनको सबट्रैक्ट किया हमने तो हमारा आ गया 230। तो 230 यहाँ पर हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने एक एलजेब्रिक फॉर्मूले का यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और जिससे हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो इतना बड़ा क्वेश्चन था इतनी आसानी से हमारा ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमें दिया है कि 6.46 का आंशिक रूप लिखिए, तो हमें क्या लिखना है आंशिक रूप छह पॉइंट चार छह का। देखिए आंशिक रूप का अर्थ होता है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में अर्थात भिन्न के रूप में इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आंशिक रूप मतलब भिन्न का रूप। और हमें पता है कि दशमलव को भिन्न में किस तरह से बदला जाता है, किसी भी दशमलव को दशमलव वाले अंक को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं उसके हर में एक के पीछे उतने जीरो बढ़ा देते हैं जितने में दशमलव लगा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका आंशिक रूप लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए 6.46 करेंगे हम दशमलव हटा देते हैं सबसे वाले, और दशमलव हटाने के बाद क्या करते हैं हम बट्टा लगाते हैं और उसके बाद नीचे एक के पीछे उतने जीरो लगा देते हैं जितनों में दशमलव लगा। देखिए एक दो दो अंकों में दशमलव लगाया तो यहाँ पर हमने दो जीरो बढ़ा दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 646 अपॉन 46। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो आप इसको ऊपर नीचे दो से काट भी सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा ये 323 अपॉन 50। तो ये आपका आंशिक रूप आ गया 6.46 का, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी किसी भी आंशिक रूप को भिन्न में बदलना होगा आपको, आंशिक रूप में आपको जब भी किसी दशमलव संख्या को बदलना पड़ेगा आप इसी तरह से यूज करेंगे कि सबसे पहले आप उसको लिख लेंगे दशमलव वाली संख्या को दशमलव हटा के, और जितने नंबर पर दशमलव लगा है उससे आप नीचे एक के पीछे उतने जीरो लगा देंगे और उसको सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर दिया है यदि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एक है तो हमारा थीटा क्या होगा। हमें यहाँ पर दिया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वन है, तो थीटा हमारा क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जब भी रेशियो वन आता है किसी का भी इसका मतलब क्या है हमारा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, क्योंकि तभी हमारा डिवाइड करके वन आता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, जब भी आपको इक्वल टू में वन आता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आप करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा कहां पर बराबर होते हैं, आप इस तरह से भी इसको चेक कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये 45 में दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो आप थीटा इक्वल टू 45 सीधे लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कॉस थीटा का डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, अर्थात हमारा टेन थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया तो वन बन गया, तो टेन थीटा इक्वल टू वन बन गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन आ जाएगा, और टेन इनवर्स वन कितना आता है हमारा 45 आता है, तो ये हमारा आ गया 45। तो इस तरह से हमारा जो थीटा है एंगल हमारा 45 डिग्री का है, और वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1/√2, और उन दोनों का रेशियो करके 1 आता है। तो आप यहां पे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और
ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे किस एंगल पे हमारे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, 45 पर आपको पता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा 45 इसका आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो स्पीड दिया, चाल दी है, इसको सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे चाल दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको बताना क्या है 15 सेकंड बाद। तो 15 सेकंड बाद यदि दूरी बतानी है तो दूरी आपको कितनी तय करेगा करके बताना है 15 सेकंड बाद। तो आपको यहाँ पे सेकंड में पूछा है और नीचे आपको आंसर भी एक ही मीटर में दिए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको जब भी स्पीड वाला, चाल चाल दूरी वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले आपको, या किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उसकी यूनिट को देखना है, उसके पीछे के मात्रक को देखना है कि आपको किस में पूछा गया है। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि हम सेम टाइप के मात्राओं को ही जोड़ा घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसको काहे में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इसको कन्वर्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर 108 को आपको किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 गुणा करना पड़ेगा, और बट्टे है, अपॉन है, देखिए बट्टे घंटे हैं, घंटे को आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो क्या करेंगे आप, 60 ही, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरह से 1 घंटे में हमारे 3600 सेकंड बनते हैं। तो 108 गुणा आपका आ गया यहाँ पे 1000/3600, या 108 गुणा इसको आपने काट दिया तो 5/18 आ गया आपका। तो आपको 108 को 5/18 से गुणा करना है, तो आपका काहे में कन्वर्ट हो गया है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर कर देंगे, तो 18 से 108 में डिवाइड किया आपने, कितना आया, 6 आया, और 6 गुणा 5 करेंगे आप तो आपको मिलेगा यहां पे 30। तो आपको 30 मीटर प्रति सेकंड यहां पे इस गाड़ी की चाल मिल गई। ये 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, आपने इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया चाल को। देखिए आपको डायरेक्ट करना है, तो आप यहां पे ध्यान देंगे, जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटे वाली क्वांटिटी को गुणा कर देना है। तो आपकी सीधे वह मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो आप उस समय इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 18/5 से क्वांटिटी को गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आपको यूनिट में चेंज करना है, यदि आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि आप जब पेपर में करेंगे वहां पर आपको इस तरह से नहीं करना है, वहां पर आपको डायरेक्ट करना है, 5/18 से गुणा कर देना क्वांटिटी को, और हमारा सीधे आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, और हमें पता है एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, स्पीड और स्पीड डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन जो होता है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, तो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था 15 सेकंड बाद तय की गई दूरी। तो देखिए, तो दूरी निकालने के लिए चाल, चाल क्या है हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड, गुणा समय कितना लग रहा है, समय हमारा 15 सेकंड दिया है हमें, तो कितना आ जाएगा हमारा 450, 450 मीटर दूरी तय करेगी हमारी यहाँ पे ट्रेन 15 सेकंड बाद। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा और इस तरह निकाल लिया, तो इस तरह से हमारा 450 का आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज किया, एक हमने यूनिट में चेंज किया
किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, और दूसरा हमने चाल बराबर दूरी बट्टा समय वाले जनरल फॉर्मूले का यूज किया। तो इस तरह से हमें जनरल फॉर्मूले याद होने आवश्यक हैं और बाकी हम उनको प्रैक्टिस से इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।